नमस्कार, आप जुड़ गए पुकार न्यूज के साथ। मैं हूं मीनू शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के खास समाचार पर। आज कोटी के रहने वाले मंजूर अहमद को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के चलते उनका मकान ढह गया। अब उनके पास रहने व रात गुजारने के लिए कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने सरपंच व वार्ड मेंबर को मौके पर बुलाकर हालात से रूबरू करवाया। घर में 4 सदस्य हैं जो घर ढह जाने के कारण बेघर हो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से यह अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द उनके रहने का इंतजाम किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद। मंजूर साहब, क्या कुछ हुआ? आप सुनने में आया कि आपका मकान गिर गया है बारिश को। बारिश की वजह से मकान ही गिर गया। तो पहले भी गिरा था, अब भी गिर गया था, फिर कुछ नहीं बना आगे, मतलब गवर्नमेंट के पास। आपने मतलब अभी किसी को फोन किया आपने कि मेरा मकान, जैसे कि पंचायत में वार्ड मेंबर है, सरपंच वगैरह, सब किसी को बताया कि मेरा मकान गिर गया है? हाँ, सरपंच को फोन किया था, तो पहले उन्होंने फोन नहीं उठाया था, बाद में उन्होंने फोन उठाया अभी, तो फिर उन्होंने इनको भी भेजा। पंच जो हमारे हैं वो भी आए हैं मौके पे, ये खुद हैं यहाँ पे, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। तो कितने फैमिली मेंबर्स हैं आप घर में? 4। अच्छा, तो आपका कुछ सामान वगैरह था? हाँ, मतलब माल था नीचे अंदर। तो वो बच गया? थोड़ा बहुत जख्मी हुआ है। अच्छा। हाँ।